Hello guys, today I'm going to show you how to use your Android as a Wi-Fi repeater. So मैं आज इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि Wi-Fi अपने Android मोबाइल को Wi-Fi के जरिए कैसे शेयर करेंगे. मतलब एक कनेक्टेड Wi-Fi हो तो दूसरे मोबाइल को आप कैसे शेयर करो. तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, दोनों मोबाइल में ये इंस्टॉल होना चाहिए, ये नेटशेयर प्लस. तो मेरा जो मोबाइल है, मैं वाईफाई ऑन करता हूँ, इसमें जो ये ग्राउंड फ्लोर है ये मेरे पास कनेक्ट नहीं हो रहा है. तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो दूसरा मोबाइल है उसमें ये ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है. ये देखो ग्राउंड फ्लोर नेटवर्क जो है ये इधर कनेक्ट हुआ है. ये वाईफाई रूटर है जो कि ऑफिस में हम यूज़ कर रहे हैं. तो ये कनेक्टेड वाईफाई नेटवर्क जो है, मैं ये कैसे हम शेयर करेंगे वाईफाई के थ्रू इस मोबाइल से. अमूमन बात तो ये है कि ये हमारे पास दूसरे तरीके भी है, ब्लूटूथ के ज़रिए भी शेयर कर सकते हैं कनेक्टेड वाईफाई को, और केबल के ज़रिए भी शेयर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कंप्यूटर को शेयर किया हुआ है. तो मुझे अपने मोबाइल के लिए चाहिए कि ये वाईफाई में कैसे कनेक्ट करूं. तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, दोनों मोबाइल में आप क्या इंस्टॉल करोगे. नेटशेयर प्लस इंस्टॉल होना चाहिए दोनों मोबाइल में, जिसमें कनेक्टेड है वाईफाई नेटवर्क उसमें ये ओपन करो. ये नेटशेयर प्लस वाईफाई. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, स्टार्ट वाईफाई थ्रोटलिंग, ये शेयर हो गया मेरे मोबाइल को. आल्सो WPS को भी आप प्रेस करो. अब मैं आता हूँ अपने मोबाइल में. ये वाईफाई नेटशेयर को मैं ओपन करता हूँ. इसमें ये प्रेस नहीं करना है, ये ऑलरेडी मैंने वो दूसरे मोबाइल में शेयर किया है. तो इसको प्रेस करना है कनेक्ट टू नेटशेयर प्लस. अब थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है इसके लिए. ये कहता है प्लीज़ ओपन नेटशेयर प्लस एंड टैप ऑन WPS इन द फोन यू वांट टू कनेक्ट. तो ये थोड़ा टाइम लेगा. वेटिंग फॉर वाईफाई कनेक्शन. क्या हो गया, ये J4 मोबाइल जो है ये कनेक्टेड सक्सेसफुली, ये कनेक्ट हो गया. तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक YouTube वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसकी स्पीड कितनी है. ये मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, आप खुद देखोगे कि इसकी क्या स्पीड है. ये देखो ऊपर 1.65, 1.57, जो सेम वाईफाई ऊपर स्पीड दे रही है वो सेम दूसरे मोबाइल के ज़रिए मुझे मिल रही है. So thanks for watching. Any comments, any question, then just comment below.